अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। शोबिज़ इंडस्ट्री से इंतहाई अफसोसनाक ख़बर आपको देते चलें कि पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का नाम खूबसूरत टैलेंटेड हुमायूं इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त तमाम इंडस्ट्री के अदाकार जो हैं, अदाकाराएँ जो हैं, वो शॉक्ड हैं और इजहार अफसोस करती हुई दिखाई दे रही हैं। हुमायूं की मदर भी शोबिज़ इंडस्ट्री से थी और उनकी मदर को भी इस वक्त लोग जो हैं वो उनके साथ इजहार अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। आपको तमाम तर डिटेल्स अभी देते हैं। आगे चलकर मज़ीद आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट पहले करते चलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस के नोटिफिकेशंस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। हुमायूं जो थे उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा। अपनी बासलाहियत कुव्वतों की वजह से जो थे वो आज शोहरत की बुलंदी पर थे और इनके करोड़ों लाखों फैंस हैं। और अचानक से इस भरी जवानी में जब उनकी डेथ हुई है, अचानक उनका इंतकाल हुआ, तो फैंस जो थे और अदाकार जो थे वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाए। बहुत से अदाकार जो थे वो आगे आए, उन्होंने अपनी स्टोरी में, इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ ना कुछ उनके बारे में, उनकी यादों के बारे में लिखा। आपको बताते चलें कि आइकॉनिक बैंड ओवरलोड के लीड बैंड मेंबर, ड्रमर, गिटारिस्ट, गुलूकार हुमायूं यानी फरहाद हुमायूं का हाल ही में इंतकाल हो गया है। फरहाद हुमायूं की ढोल बजाने की महारत को शायकीन ने बहुत सराहा था। उन्होंने कंसर्ट्स में बहुत ज़्यादा जादुई परफॉर्मेंस दी थी जहां सामईन इनके सहर में मुब्तला हो जाते थे। बहुत बासलाहियत मौसीकार इंडस्ट्री के बहुत से अदाकारों और गुलूकारों के दोस्त थे। वो ब्रेन ट्यूमर में मुब्तला थे और इनकी सर्जरी भी हुई। बदकिस्मती से वो ज़िंदगी में वापस ना लौट सके और अपने दोस्तों, ख़ानदान और मदाहों को बहुत जल्द ही छोड़कर चले गए। आपको जैसे ऑलरेडी हमने बताया था पहले कि इनकी मदर भी जो थी वो शोबिज़ इंडस्ट्री से ही हैं, नवीद शहज़ाद। इस वक्त मीडिया की बहुत सी शख्सियात ने फरहाद की वालिदा यानी नवीद शहज़ाद से ताज़ियत और दुआओं का इजहार किया है। फनकारों ने भी इसके साथ अपने ताल्लुकात के बारे में बात की। आयशा उमर इतनी डिस्ट्रॉय हुई इस न्यूज़ से कि फरहाद हुमायूं के साथ कॉलेज का वक्त भी शेयर कर दिया। इसने फरहाद के साथ अपने एनसीए दिनों की यादें शेयर की। वासे चौधरी ने फरहाद और नवीद शहजाद के साथ अपनी तस्वीर भी पोस्ट की, जैसा कि आपने पीछे देखी, हमने आपके साथ शेयर की। इसी तरह अली ज़फ़र ने भी फरहाद हुमायूं के साथ जैमिंग की अपनी यादें जो थीं वो शेयर की। तमाम अदाकार जो हैं वो इस वक्त इनके लिए दुआगो हैं, इनकी मगफरत की दुआ कर रहे हैं। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी मगफरत फरमा कर इनको जन्नत अल फिरदौस में जगह दे। इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।